देश में कानून व्यवस्था पे हम लोग लगातार सवाल खड़े करते रहे। ये हम ही लोगों के सवाल खड़े करने का परिणाम है कि सरकार की नींद खुलती है और सरकार नींद से जागती है। प्रदेश की राजधानी में ही मंचलों को खुली छूट मिली, जिस तरह से वो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उस बेटी को अपमानित करने का प्रयास किया है, और ये अपमान सिर्फ लखनऊ में नहीं पूरे प्रदेश में हो रहा है। हम तो लगातार मांग कर करके थक गए, अब तो थक ही गए क्योंकि मुख्यमंत्री सुनना ही नहीं चाहते। अभी तक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो। अब तो मुख्यमंत्री की देखिए छाया में, छत्रछाया में सब चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही है। देश में कानून व्यवस्था पे हम लोग लगातार सवाल खड़े करते रहे। ये हम ही लोगों के सवाल खड़े करने का परिणाम है कि सरकार की नींद खुलती है और सरकार नींद से जागती है। ये मंचलों को इस तरह की छूट मिली है, एंटी रोमियो स्क्वाड बड़े दावे हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसका सच ये है कि प्रदेश की राजधानी में ही मंचलों को खुली छूट मिली, जिस तरह से वो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उस बेटी को अपमानित करने का प्रयास किया है, और ये अपमान सिर्फ लखनऊ में नहीं पूरे प्रदेश में हो रहा है। तो हम तो लगातार मांग कर करके थक गए, अब तो थक ही गए क्योंकि मुख्यमंत्री सुनना ही नहीं चाहते। अगर मुख्यमंत्री ध्यान दें कानून व्यवस्था पर और इस तरह घटनाओं पर रोक लगे तो जो वो वादे करते हैं कानून व्यवस्था, शायद वो जमीन पर दिखाई दें। अभी तक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो, जहां भी जिस तरह से, जैसे एक घटना मेरे संज्ञान में आई गाजियाबाद की, एक बेटी के साथ जो है उसको पहले प्यार में रखा गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अभी मुझे यहां सुबह उसकी जानकारी मिली, मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि दोबारा किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। कुछ अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की गई है वहां पे, ये जो जनता में आक्रोश हुआ उसके बाद जो है सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी। मैं तो कह रहा हूं निचले स्तर के जो कर्मचारी उस पर कार्रवाई करने के बजाय जो जिले लेवल पर कर्मचारी बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए ऊपर कार्रवाई होगी तो नीचे वाले सब ठीक हो जाएंगे। जब ऊपर वालों पे कार्रवाई नहीं होती और नीचे वालों पे कार्रवाई होती है, नीचे वाले तो वही काम करते हैं जो ऊपर के लोग कहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारों पे कार्रवाई हो तब जाके ये खाना पूर्ति करो। निचले अधिकारों पर कार्रवाई ना की जाए, ऊपर के अधिकारों पर कार्रवाई की, क्योंकि उन्हीं की देखरेख में जिला चलता है और प्रदेश की राजधानी का मामला, क्या छवि बनेगी देश में अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी में महिला सुरक्षित नहीं। और हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, नगीना लोकसभा से हम लोग आते हैं, सहारनपुर के रहने वाले, तो हमें उत्तर प्रदेश की बहुत चिंता है। इसलिए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री कहूंगा, पहली सरकारों में ऐसा होता था अगर इस तरह कार्रवाई होती है और कोई किसी अधिकारी के खिलाफ होता उस पर उसको निलंबित किया जाता था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा जाता, तब जाके अधिकारियों को समझ आता था कि उनको इस तरह से जो है ध्यान रखना है और वो नींद से जागे रहना है। तो अब तो मुख्यमंत्री की देखिए छाया में, छत्रछाया में सब चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी को कठोर संज्ञान लेना चाहिए और नीचे ऑर्डर करने चाहिए सभी जिलों में, अगर महिला उत्पीड़न कोई भी घटना हो तो उस पर जाते धर्म से ऊपर उठ के ठोस कार्रवाई की जाए, किसी अपराधी को पहचान जाए, जो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सब पे गजब की कार्रवाई हो जिससे कि आरोपियों के और मंचलों के हौसले जमींदज हो जाए।